गाइस अब हम लोग आरंबुल बीच से निकल गए हैं और उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने एक्चुअली सब कुछ प्लान कर रखा था कि यहाँ से यहाँ जाएंगे यहाँ से जाए जाएंगे और प्लानिंग इस तरह से हुई थी कि मॉर्निंग में 6 बजे यहाँ 7 बजे वहाँ बट अब बच्चे की वजह से अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर तो सिचुएशन ये हुई है कि जिस जगह हमें जाना था वो मानसून में बंद हो जाती है। अगर आपको ध्यान हो या फिर आपने कहीं सुना हो या फिर पिक्चर्स देखे हो, आरंबुल बीच के आसपास में एक गार्डन ऑफ ड्रीम्स है जो बहुत फेमस है। वहाँ पे अच्छे मतलब बहुत अच्छे लुक्स है तो वहाँ का मेरा मन था कि चलो गार्डन ऑफ ड्रीम्स पे जाएंगे। 2-3 बज रहे हैं और वहाँ पे लंच करेंगे मज़े करेंगे बट वो हो नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक स्वीट वाटर लेक है आरंबुल में तो मैंने सोचा स्वीट वाटर लेक में जाते हैं तो वहाँ भी हो सका तो हम लोग एक लंच मारे हैं बट वो भी पॉसिबल हुआ नहीं बिकॉज अभी वो भी बंद है और इस टाइम पे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे रहता नहीं है तो उसने बोला अभी भैया वहाँ पे मत जाओ। तो ये दो चीज़ें हमने छोड़ दी। अब हमें सोचा कि अब कहाँ चलें तो जो एक बीच मिला है मुझे अच्छा बीच है ऐसा मैंने सुना है तो हम लोग वहाँ चलते हैं। बीच पर जाके आपको बताता हूँ कौन सा बीच है। तो गाइस मेरे साथ एक्चुअली सीन हो गया, मैं गया अब गूगल मैप के अकॉर्डिंग उस बीच के ऊपर और उस बीच पे ये हुआ कि बीच पे जाने से पहले वहाँ पे सब रास्ते बंद दिख रहे थे तो फिर एक रास्ता खुला था तो मैंने सोचा चलो इस यहाँ पे जाके या तो कोई होगा उससे पूछ लूँगा या यहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे थे 4 कुत्ते और वो 4 कुत्तों ने मुझे डराया और मैंने उनको डराया तो डराया चली थोड़ी देर पर हम लोग सेफली निकल गए वहाँ से। तो अब हमें यहाँ के लोकल लाइट ने यहाँ की एक्चुअल जगह बताई है कि ये एक्चुअल रास्ता बताया कि ये यहाँ से जाता है तो चलो फिर हम आ गए हैं उस रास्ते पे और सच में अच्छा लग रहा है। तो इस जगह का नाम मैं अब आपको बता देता हूँ। तो इस जगह का जो नाम है वो है मैंड्रेम जो भी बोलते हैं तो ये वो वाला बीच है और ये अंदर जाने का भी रास्ता बढ़िया है यहाँ। तो चलो देखो व्यूज अच्छे हैं भाई, तो बढ़िया जगह है, अच्छा बीच है। मैंड्रेम बीच, यहाँ तो बिल्कुल कोई भी नहीं है यार, कोई क्राउड नहीं है कुछ नहीं है और पीछे एक पहाड़ी है जो बहुत ग्रीन हो रखी है। क्लीन बीच है एकदम, बहुत अच्छा है यार ये तो आरंबुल से भी अच्छा है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल क्लीन बीच, कोई भी नहीं है, लोकल लाइट्स है बस यहाँ के और उनके अलावा कोई दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, कोई टूरिस्ट नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल देखो कहीं पे कोई टूरिस्ट नहीं है। तो वहाँ पे लाइफगार्ड वगैरह के रूम है, एक आध शेक है बस, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो गाइस काफ़ी मस्ती हो गई मैंड्रेम बीच पे, अब यहाँ पे हम लोग थक गए हैं, अब लग रही है भूख ह्यू को भी और मुझे भी। तो अब हम देखते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, यहाँ का जो बहुत फेमस हो उसी पे चलते हैं ताकि थोड़ा मज़ा आए। फिर यहाँ पे इस बीच पे जाने का रास्ता बहुत अच्छा है, एक ब्रिज बना हुआ है फिर उसके बाद आप उस बीच पे जाते हो, बीच अच्छा है बहुत सीरीन है। तब चलते हैं अपनी कार में और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। तो गाइस मैंड्रेम बीच से हम लोग आ गए हैं अपना लंच करने के लिए, साज ऑन द बीच, ये हमारे होटल के बिल्कुल पास में ही है तो हमने सोचा कि इसके रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लग रहा था फोटोज़ में तो मैंने सोचा कि चलो चेकआउट कर लेते हैं। और यहाँ पर तो रूम्स भी है सब कुछ है तो कोई नहीं, जाके अंदर देखते हैं
क्या सीन है इस जगह का, और आपको भी बताते हैं क्या ये सबसे आपको हेल्प हो जाएगी। आप कभी भी गोवा आओगे तो सीधा आपको पता रहेगा कि डायरेक्टली कहाँ जाना है। चलो चलते हैं इसके रेस्टोरेंट में। हे गाइस, सो दिन में हुआ ऐसा कि हम लोग ने लंच किया वहाँ पे और फिर हम लोग अपने होटल चले गए थे, और होटल पे रूम में जाने के बाद फिर हमने देखा कि बाहर जाके मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश भी आ रही थी और बहुत क्लाउडी वेदर था, तो फिर हमने सोचा कि चलो बाहर चले जाते हैं, थोड़ा बीच पे रिलैक्स करेंगे। तो जब बीच पे गए और कुछ फोटोग्राफी वगैरह करी हमने, और फिर एकदम से बारिश आ गई। बारिश आई तो हम अंदर रेस्टोरेंट में जाके और फिर वहाँ से बीच साइड का मज़ा ले रहे थे, और फिर उसके बाद हम लोग रूम में जाके सो गए थे थोड़ा, बिकॉज इतना थकान हो गई थी सुबह से कि रूम में जाके सो गए। एंड फिर अब हम निकले हैं 9:30 बजे एक रेस्टोरेंट की तलाश में कि जहाँ पे अच्छा सा डिनर हो जाए। तो हम इस रेस्टोरेंट में आए जो टोमेटोज नाम है इस जगह का, और रेस्टोरेंट में शुरुआत में कोई भी नहीं था, हम लोग एकदम खाली रेस्टोरेंट था, और हम लोग अंदर आए और फिर सडनली हमारे साथ साथ एक दो फैमिलीज और यहाँ पे अंदर आ गई। तो अच्छा रेस्टोरेंट है, तो मैं आपको व्यू दे देता हूँ यहाँ का, और फिर इसके बाद हम लोग होटल जाएंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे कल सुबह, और कल मॉर्निंग का जो भी हमारा स्केड्यूल होगा वो हम आपको बता देंगे मॉर्निंग में। चलिए आपसे मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में। गुड नाइट।